और आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग टास्क टू के फॉर्मेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऐसे का, वो है गिव योर ओपिनियन। तो आपको राइटिंग में कोई भी ऐसे आ जाए, टॉपिक आ जाए जिसमें आपने अपनी ओपिनियन देनी हो, तो आप ये फॉर्मेट एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो और अपने बीच में आइडियाज डाल सकते हो, जिससे कि आपकी मिस्टेक्स कम होंगी और आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा, राइट? तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। ओके, कोई भी आपको टॉपिक आया है, फर्स्टली तो आपने देखना है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपने टॉपिक देखना है कि आपके जिस चीज़ के बारे में आपको ओपिनियन देनी है वो आपका टॉपिक क्या है, राइट? अगर आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऐसे टूरिज्म के बारे में है, एडुकेशन के बारे में है, या हिस्ट्री हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के बारे में। जो भी आपका टास्क इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ना, वो आपने फिगर आउट कर लेनी है और उसके बारे में क्या देनी है, एक जनरल स्टेटमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपनी जनरल स्टेटमेंट लिखोगे। अच्छा, अब जनरल स्टेटमेंट को लेके एक इम्पॉर्टेंट नोट। अच्छा, कुछ ऐसे नहीं है कि अगर आप कोई भी ऐसे वर्ड जो लाइक बड़ी फेमस सी लाइंस होती हैं, फ्रेजेस होती हैं, वो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है यहाँ पे, ये एक टिप है। क्योंकि उससे क्या होता है कि एग्जामिनर जब आपका एग्जाम चेक करता है तो वो देखता है कि ये तो आप खुद से नहीं आपने लिखा, तो वो आपके उस सेंटेंस के लिए मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, क्योंकि वो क्रैम होते हैं। कैसे वर्ड्स? जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर आप स्टार्टिंग में ये लाइन लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता है कि ये आपने खुद से नहीं लिखी, तो इस चीज़ के लिए आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? ऐसी जनरल स्टेटमेंट नहीं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉमन टॉपिक के ऊपर जनरल स्टेटमेंट आपने देनी है। और हाँ, उसमें आप काफ़ी सारे सिनोनिम्स यूज़ करके अच्छे से उसे दे सकते हो, या फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपका क्वेश्चन है उसे रिफ्रेज करके लिख सकते हो एज जनरल स्टेटमेंट, ठीक है? तो फिर आप स्टार्ट कैसे करोगे? ऐसे लिखना है आपने, डिफरेंट पीपल हैव डिस्टिंक्ट माइंड सेट्स, डिस्टिंक्ट हियरिंग्स, ऑब्वियसली डिफरेंट सिनोनिम फॉर डिफरेंट। यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो? डिस्टिंक्ट माइंड सेट, ठीक ठीक है? ओके, उसके बाद में कॉमा, सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डीम दैट। अब यहाँ पे डीम का क्या मतलब है? थिंक। तो आप थिंक वर्ड को डीम के साथ रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, या कुछ भी आप लिख सकते हो। डीम इज अ गुड वर्ड है, तो मैंने डीम लिखा है, डीम दैट। अब आगे आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपनी लाइन लिख सकते हो कि अगर ओपिनियन है तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, राइट? डिफरेंट पीपल हैव डिस्टिंक्ट माइंड सेट, सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी डीम दैट। अब फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लिख दो, ठीक है, अपना टॉपिक के हिसाब से जो भी आपका क्वेश्चन है, राइट? कॉमा, वेयर एज, ये आ गया हमारा कनेक्टर, ठीक है? ये हमने कनेक्टर लगाया, वेयर एज अदर्स ओपाइन दैट। अब ओपाइन इज, ओपाइन का मतलब होता है ओपिनियन, मतलब ओपिनियन लाइक दूसरे लोगों की अब क्या ओपिनियन है। कुछ लोग जो सोसाइटी के हैं वो ये सोचते हैं, जबकि बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है, ओपाइन दैट। अब दूसरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है अपने टॉपिक के हिसाब से, राइट? अच्छा, अब द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वुड शेड लाइट ऑन द अप्रोचेस बिफोर मेकिंग द फाइनल कंक्लूजन अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, ठीक है? अब ये लाइन आप एज इट इज लिख सकते हो। उसमें क्या होगा, एक पैराग्राफ में आप अपना पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्कस करोगे यहाँ पे, ओके? दूसरे में आप अपना सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करोगे, और थर्ड में आपने उसे सम अप करके अपना जो आपकी क्या उसके बारे में पर्सनल पर्सपेक्टिव है, थिंकिंग है, वो आपने बतानी है, ठीक है? तो आई होप फर्स्ट पैराग्राफ आपको क्लियर है, जनरल स्टेटमेंट, देन कुछ लोग क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, बाकियों का कहना है, फिर आपने यहाँ पे जनरल लाइन देनी है के द फॉलोइंग पैराग्राफ शुड शेड लाइट ऑन द अप्रोचेस बिफोर मेकिंग द फाइनल कंक्लूजन अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, राइट? तो अब सेकेंड पैराग्राफ आप कैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्ट करने के लिए आपने हमेशा स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन यूज की है, टू कमेंस विद। अब ओके, टू कमेंस विद हमेशा किसी, ओके, कमेंस विद की जगह मैं ऐसे लिख सकती थी टू बिगिन विद, राइट? ये आप यूज कर सकते हो। टू कमेंस विद द फर्स्ट नोशन, जो फर्स्ट आपकी नोशन है, देर आर माई रेड थिंग्स टू बी शेयर्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। माई रेड मीन्स मैनी। अब यहाँ पर भी मैंने एक सनोनियम यूज किया हुआ है, आप देखें। ओके, सनोनियम्स के लिए आपको आपको बैंड्स मिलेंगे। अगर आप सनोनियम्स नहीं यूज करोगे या वर्ड्स रिपीट करोगे तो उसके लिए आपको नई बैंड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी खासी वोकैबुलरी लिखी हुई है ताकि आपको उस पर फोकस करने की जरूरत ना पड़े, आप बस अपने आइडियाज देखो और उन्हें अच्छे से लिखो।
और बाकी आप ये लाइंस एज इट इज यूज कर सकते हो. राइट, टू कमेंस विद द फर्स्ट नोशन, देयर आर मेरिएड थिंग्स टू बी शेयर्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट. अब फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या शेयर करना है? अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब इसमें आपने दो बातें बतानी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यहाँ पे आप अपना पहला पॉइंट लिखोगे, ठीक है, कि आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है. एज अ रिजल्ट, राइट, ओके, मान लो मेरा टॉपिक था वेडिंग के बारे में, इंडियन वेडिंग्स में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं. कुछ लोगों को लगता है कि ये एक्सपेंसेस होने चाहिए, जो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स है वो गुड है, और बाकियों को लगता है कि जो वेडिंग्स हैं वो सिंपल होनी चाहिए. राइट, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके आप बताओ कि इंडियन वेडिंग्स में बहुत सारा खर्चा आ रहा है, ठीक है, एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है, आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि रिजल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जैसे लोग कर्जा ले रहे हैं, राइट, बड़ा लाइक गलत मैसेज आ रहा है लोगों को, ऐसे कुछ भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उसके, तो वो आप लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन में. राइट, अब बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अब अपना दूसरा पॉइंट रख देना है आपने, ठीक है. अच्छा, जब आप अपने पॉइंट्स डिस्कस कर लो अपने टॉपिक के अलावा, फिर एक जो अच्छी चीज़ है, आप सर्वे बता सकते हो, बिकॉज सर्वेज के लिए एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, उसके लिए आपको बैंड्स मिलेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सर्वे पता ही होना चाहिए, आप कुछ भी खुद से सर्वे लिख दो, नो वन गोना चेक कि ये एक्चुअल में सर्वे हुआ है कि नहीं, बट इट्स गोना लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर, ठीक है. तो अभी ऐसे यहाँ पे मैंने एक लिखा है, देयर वॉज अ सर्वे डन बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया आना है क्योंकि इट्स अ फेमस नेम, तो कैपिटल लेटर्स आने हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया इन ईयर लिख दो कोई भी, 2013, द हिंदुस्तान टाइम्स या कुछ भी आप यहाँ पे, द ट्रिब्यून, कुछ भी लिख सकते हो, इन विच एवर ईयर यू वॉन्ट टू, विच स्टेटेड दैट अराउंड. अब अपने खुद से सर्वे लिखाना है, 5,000 crore rupees were spent in each year since 2009 on wedding functions throughout our country. ठीक है, तो अब ये मैंने एक सर्वे लिख दिया, ये कहाँ पे लिखा है, एज एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है. कोई भी हम जो करते हैं ना कभी भी राइटिंग, तो उसका पैराग्राफ कैसे बनाता है, फर्स्ट हमने ये लिंकर्स और ये कनेक्टर्स यूज करते हैं, वो एक साइड है सिनोनिम्स, पर इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, पहले आपने कोई भी एक पॉइंट मेंशन करना है, फिर आपने देनी होती है उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और फिर आपने देनी होती है उसकी एग्जाम्पल. तो मैंने वहाँ पे एज एग्जाम्पल यहाँ पे ये सर्वे लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट हो गया, अब जब आपने नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ. अब क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, ओपिनियन है लोगों की, एक लोगों ने जो ओपिनियन थी वो यहाँ पे आपने लिख दी, खर्चा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या हो रहा है, राइट. अब उसके ऑपोजिट जो है बाकी लोगों की ओपिनियन, तो वो लिखनी है. उसके लिए हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ एवर से, ठीक है, हाउ एवर. अब बाकी क्या सोचते हैं, अदर्स बिलीव दैट, दूसरे लोगों का फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है, बिकॉज उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है. फिर आपने क्या यूज करना है, not only this, but उनका जो second point है वो not only point two, but also उसके अलावा क्या, उसे explain कर देना है point two को भी और first को भी, ठीक है. Besides this, अब अपना यहाँ पे आप point three mention कर सकते हो, तो ये आप lines use कर सकते हो, ठीक है. अब क्या क्या words मैंने यहाँ पे use किए, however others believe that point one because the explanation. अब यहाँ पे मैंने use किया not only, इसके बीच में अपनी point, then but also its explanation, then besides this point three. अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया besides this, ठीक है. तो ये प्रॉपर आपके लिंकर्स कनेक्टर्स यहाँ पे सारे आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे, हैविंग डिस्कस्ड. अब यहाँ पे आपने फर्स्ट, ओके, लेट मी सम ऑफ द थिंग्स. पहले आपने जनरल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन लिखा, उसमें आपने जनरल स्टेटमेंट दी और बताया, एक आइडिया दिया एग्जामिनर को कि आप क्या बताने जा रहे हो अपने पैराग्राफ में, ठीक है. आपने यहाँ पे बता दिया कि दोनों पैराग्राफ्स में पहले आप एक लोगों का अप्रोच बताओगे, फिर दूसरों का बताओगे, एंड देन अपना पर्सपेक्टिव बताओगे, ठीक है. फर्स्ट में आपने एक सोसाइटी के पार्ट के साथ दिया कि कुछ लोग ये सोचते हैं, तो कमेंट्स विद करके, देन हाउएवर, फिर दूसरों का बताया. अब थर्ड में आप अपना सम अप कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, हैविंग डिस्कस्ड द आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. दोनों तरीके के आपने दोनों पैराग्राफ में डिस्कस कर लिया आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. आई वुड लाइक टू इन्फर दैट. अब आप क्या कहना चाहते हो, आप फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में किन के साथ जाते हो, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है,
वो आपने यहाँ पे एंड में लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे आपका प्रॉपरली सम अप हो जाएगा। हैविंग डिस्कस्ड द आर्ग्यूमेंट्स एंड बोथ आर्ग्यूमेंट्स आई वुड लाइक टू इन्फर दैट, यहाँ पे आपने अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो दे देना है, क्योंकि आप कैसे के इसके बारे में गिव योर ओपिनियन। तो इससे आप क्या होगा, आपके पॉइंट्स भी शॉर्ट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लियो दो डिफरेंट पैराग्राफ्स में, और थर्ड में आपने आपको जो लगता है वो उसके हिसाब से बता देना है। तो ऐसे आपका जो है पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और जो है मैं एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी सारा फॉर्मेट, और आप वहाँ से नोट कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो अपने राइटिंग्स में। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू गाइस। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई सुजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। थैंक यू।